दिल्ली के अप्सरा थिएटर में युवा रंगमंच द्वारा एक नाटक रखा गया जिसका शीर्षक था माया नगरी। इसमें अनेक कलाकारों ने भाग लिया। इस नाटक के माध्यम से ये दर्शाया गया कि जो युवा मुंबई जाने के सपने देखते हैं, उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कलाकारों को अपने आप को साबित करने के लिए इस नाटक के निर्देशक आकाश जैन हैं। जो युवा मुंबई जाने का सपना देखते हैं, उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस नाटक के निर्देशक आकाश जैन हैं। तो आज हम देख रहे हैं माया नगरी, जो कि एक आकाश जैन ने इस माया नगरी को सत्यता के रूप में स्थापित किया है। जो पर्दे के बाहर तो कुछ और नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही उसकी कल्पना होती है, तो उसी को सत्यापित किया है आकाश जी ने। आइए हम आकाश जी से पूछते हैं। आकाश जी, इस माया नगरी थिएटर के रूप में जो आपने स्थापित किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बात थिएटर ग्रुप मेरा बहुत टाइम से रन हो रहा है। पिछले 6 सालों से मैं एक्टिंग लाइन से जुड़ा हूँ, और जो भी समाज में चलता रहता है तो मेरे को मनी मन चीजें विचलित करती है, तो कहीं ना कहीं पे जब मेरे को लगता है कि यहाँ पे कमी आ रही है तो उसको लेके मैं नाटक बनाता हूँ। ऐसा मैंने किसान पर आधारित एक विडम्बना नाटक बनाया था। फौजियों को लेकर जब कोई सुन रहा था तो हमने फौजी एक जिद बनाया। जब धर्म बीच में आ जाता है तो हमने एक और नाटक बनाया था, ये इश्क नहीं आसान। और आज हमने कलाकारों को लेकर पूरा नाटक प्रस्तुत किया, जिसका माध्यम यह है जो भी कलाकार होते हैं उनका एक जहनियत क्या होती है, क्योंकि पर्दे की आगे की कहानी और पर्दे की पीछे की कहानी में बहुत अंतर होता है। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जो मुझे इस मजबूती से आगे लेके चल रही है, और मैं इसी तरीके से आगे और नाटक लेके आता रहूंगा। ये मेरा अपनी जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे वादा है, ठीक है। और दिसंबर में हमारा पूरा थिएटर ग्रुप युवा रंगमंच बंबई जा रहा है। जी हाँ, बंबई। अब ये मैं 2 मिनट के लिए आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो हमारे पूरे थिएटर ग्रुप की इंचार्ज, कोऑर्डिनेटर, मेंटर, ईच एंड एवरीथिंग, वफा खान। मेरा वफा खान है, और मैंने युवा रंगमंच को अभी मतलब बहुत पहले से ज्वाइन कर रखा है, कम से कम 2 साल हो गए, और मैं युवा रंगमंच के साथ एज अ कोऑर्डिनेटर, मेंटर और एज अ टीचर वर्क करती हूँ। आप अपनी टीम के जरिए कुछ संदेश देना चाहती हैं जो आपको बताएंगे? बस मैं अपनी टीम को ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग एक फैमिली है और हमें एक फैमिली की तरह रहना है, एक दूसरे को अपना समझना है और इसी तरह काम करते रहना साथ में। वहाँ जी, आपसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम माया नगरी को दूर से तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन आज के इस नाट्य रूप में हमने देखा कि माया नगरी पीछे से बहुत ही अजीब है, जैसे कहते हैं एक तरह से शोषण किया जाता है, तो उसके बारे में आप कुछ। देखिए, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, जब जितना आप उसके पास जाओगे, उसको जानोगे, तब आपको उसकी सच्चाई पता चलती है। ऐसे ही बम्बई हमें दूर से बहुत अच्छा लगता है, बट जब हम वहाँ जाते हैं, हम आर्टिस्ट को ही एक पता है कि उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि हमने अपने इस प्ले में दिखाया और मेरी नरेंद्र किन्नर। मैडम, आप किन्नर का रोल किए हैं, तो रोल क्या है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या उसको मन से भी देखा है कि हाँ किन्नर? मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज में किन्नरों को एक अलग दर्जा दिया जाता है, उनके पास भी वही माइंड है जो एक औरत में एक आदमी है, फिर क्यों दिया जाता है? तो मैं यही कहूँगा कि बराबर का दर्जा दीजिए और अपने बराबर में लेकर चलिए। किन्नर होना कोई पाप नहीं है, ऊपर वाला सबको बनाता है। किन्नर बनाया तो उनने कोई गुनाह नहीं किया, वो किन्नर है, उसके पास दिमाग है, अपनी जहनियत है, सोचने समझने की ताकत है, वो कर सकता है जो आप कर सकते हैं। तो किन्नर क्या है, किन्नर से क्यों इतना भेदभाव? तो बस मैं यही कहूँगा कि सभी को बराबरी का दर्जा। तो ये बताइए, पहले तो अपने थिएटर के बारे में बताइए, के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे युवा रंगमंच में 1 से 1.5 साल हो गया है, तो जब से मैंने ज्वाइन किया मेरे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, जो आपने अभी देखा होगा मेरा ये रिसेंट जो प्ले है, तो एक्टिंग का गिरा तो फिलहाल बचपन से ही था, तब उसको जाहिर भी कर रहे हैं और पब्लिक को दिखा भी रहे हैं। होप सो आगे आपको अच्छे से अच्छे और हम करके दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, इंजॉय करोगे। तो युवा रंगमंच के साथ मैं हूँ, था और रहूँगा।
कितना एंजॉय कर रहे हैं आकाश जी के साथ और माया नगरी के साथ। जी मुझे यहाँ पे युवा रंगमंच में जुड़े हुए मेरे को 1.5 महीना हो चुका है और ये मेरा सबसे पहला प्ले। बस मैं यही बताना चाहूँगा कि जितना मज़ा मुझे आज आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी परफॉर्म करूँगा और इस तरीके से परफॉर्म करूँगा। और वैसे भी युवा रंगमंच में आना मेरा ऐसे ही आना नहीं था, वो कुदरती आना, वो तो बहुत बड़ी बात है, कह रही है तो यहाँ पे भी मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबा किस्सा है। बस यही है कि मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ और जुड़ता चले जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माया नगरी की पूरी टीम है, ये पूरी टीम है आकाश स्कूल। अब हम अपने चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं इनका रंगमंच ऐसे दिनों दिन बढ़ता ही जाए। हमारी दुआएं इनके साथ है, पब्लिक की दुआएं इनके साथ है। मैं सुनीता उपाध्याय 24 24 आवर्स टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।